बोल न्यूज हेडक्वार्टर। अस्सलाम वालेकुम, बोल न्यूज हेडक्वार्टर में खुश आमदीद। मैं हूं आपके साथ वरीशा जुल्फिकार। मैं हूं सैयद रसी। और मैं हूं युसरा नजम। हेडलाइंस आपने जानी, आज बुलेटिन में आप देख सकेंगे। बहरान से निकलने का रास्ता क्या? गवर्नर राज की धमकी। हलीम आदिल गिरफ्तार। बारिश के बाद सैलाब। और शाहीन मुश्किल में। मुल्क के बहरानों से निकलने का वाहिद हल आम इंतखाबात हैं। अगर शफाफ इंतखाबात ना हुए तो बहरान और इंतशार मजीद बढ़ेगा। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान ने खबरदार कर दिया। नया इलेक्शन कमीशन तश्कील देने का मुतालबा कर दिया। यौम तशक्कुर पर कारकुनान से खिताब में कहा, मौजूदा चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर एतमाद नहीं, ईवीएम लाने की कोशिश की तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने मुखालफत की। हुकूमती वसायल लगाकर हमजा शहबाज को गैर कानूनी तौर पर बिठाया गया, ये समझ रहे थे कौम खामोश होकर बैठ जाएगी, ऐसा नहीं हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने डेप्टी स्पीकर की रूलिंग पर सिर्फ एक आईनी सवाल पूछा, सारे डाकू जवाब देने के बजाय अदालत को धमकियाँ देने लग गए। हुकूमत मिली तो IMF के पास नहीं जाएंगे। अपनी कौम का शुक्रिया अदा करता हूँ और अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ। इन्होंने क्या तमाशा किया कल हमारी सुप्रीम कोर्ट के साथ। सुप्रीम कोर्ट एक छोटा सा सवाल पूछ रहा था कि सिर्फ ये बता दो कि कहाँ हेड फैसला करता है या पार्लियामेंट्री हेड फैसला करता है, बस ये चाहता। बातचीत सबसे करता पॉलिटिशियन, जो TTP है बलोचिस्तान के अंदर, जो सेपरेटिस्ट है उनसे भी बात कर सकते, सिंध में जो कहते हैं सिद्धू देश उनसे भी बात, सबसे बात कर सकते। जिस दिन आप चोरों के साथ डील करते हैं आपका माशरा तबाह हो जाता है। जब तक कि ये ताकतवर डाकू मुल्क में धंधनाते फिरेंगे और जब भी इनको कोशिश होगी इनको कानून के नीचे लाने की, ये ब्लैकमेल करेंगे, धमकियां देंगे। सजाए याफ्ता मुल्क से झूठ बोल के फरार हुआ है और उसे कहते हैं जी को उसके केसेस ही माफ कर दो। ये कानून के ऊपर समझते हैं अपने आप को, ये समझते हैं कि ये कानून सिर्फ कमियों के लिए है। जब भी इनको कोशिश करते हैं इनको इनके करप्शन केसेस, ये सारा वक्त या तो मुल्क से बाहर भाग जाते हैं और या फिर ये सारा वक्त ये कहते हैं कि जी आपकी जरूरत कैसे पड़ी कि हमें कानून के नीचे लाने के लिए। अपने वो उन ताकतों से पूछना चाहता हूँ जो रोक सकती थी इसको, और मैंने उनको ये आगाह किया कि अगर इस वक्त ये साजिश कामयाब हुई माशी बुरान आएगा, ये हुकूमत नहीं उसको उसका सामना कर सकेगी। हमें कोई इसके ऊपर एतमाद नहीं। और मुझे जो सबसे ज्यादा ये इलेक्शन कमीशन के ऊपर एतराज है कि जब हमने कोशिश की पूरी कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन लाई जाए तो इसने पूरी उसकी मुखालफत की। अगर आगे अब हमने निकलना है, पहले तो एक गैर आइनी तौर पे उसको हमजा को बिठा दिया गया पंजाब का वजीर आला, उसकी कोई आइनी हैसियत नहीं थी। तो सबसे पहली चीज़ तो हमें एक क्रेडिबल इलेक्शन कमीशन चाहिए। हालात हमारे इस वक्त मुश्किल है और जिस तरह जितनी देर ये गवर्नमेंट रहेगी मजीद और मुश्किलें बढ़ती जाएंगी। क्या राशन, ताकि वो अपनी यानी खाने पीने की चीज़ें, घी आटा और चीनी उनके लिए, ताकि वो सस्ती अपना राशन कार्ड रहेगा ताकि वो सस्ती खरीद से। सुप्रीम कोर्ट का तारीखी फैसला, तहरीके इंसाफ का मुल्क भर में यौम तशक्कुर कौमी जश्न बन गया शहर शहर करिया करिया बस्ती बस्ती खिलाड़ियों का जोश दीदनी। कौमी परचम और पार्टी परचम थामे खवातीन की बड़ी तादाद ने भी कप्तान की कॉल पर लब्बैक कहा। छोटे बड़े शहरों के इज्तिमात में लाखों अफराद ने शिरकत की। इमरान खान का खिताब बड़ी स्क्रीनों पर दिखाया गया। खबरों में आगे आप देख सकेंगे। पार्लियामान में अदलिया की तस्दीक। और बिलावल की भी इदारों पर तनकीद। बड़ा दिन, बड़े इज्तिमात, बड़ा चैनल, बड़ी कवरेज। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद समेत मुल्क भर में PTI की जानिब से यौम तशक्कुर बनाया गया। अवाम का बोल न्यूज को सच की आवाज बनने पर खिराज तहसीन। PTI के यौम तशक्कुर पर बोल ने सबसे बड़ी ट्रांसमिशन की। PTI के जलसे हर एंगल से दिखाए, कारकुनान के जज्बात सामने लाए, तादाद दिखाई, सब कुछ लाइव हुआ। इमरान खान का खिताब सबसे पहले बोल की स्क्रीन से नशर हुआ। PTI रहनुमा मुराद सईद ने भी अपने खिताब में बोल की तारीफ की। हमारी खसूसी में मैं इस वक्त F9 पार्क इस्लामाबाद में खड़ा हूँ। सदीक जान क्या कहेंगे आप? इमरान खान जो है वो बहुत कम वक्त में बहुत लंबी इनिंग खेलने जा रहे हैं।
तहरीक इंसाफ का यौम तशक्कुर, शहर शहर करिया करिया बड़ी स्क्रीनें, चैनल सिर्फ एक बोल न्यूज। तहरीक इंसाफ के कारकुनान और अवाम की एक आदाद सड़कों पर कल ही निकल आई थी और आज बाकायदा तौर पर यौम तशक्कुर मनाया जा रहा है। पीटीआई के बड़े इज्तिमात की सबसे बड़ी कवरेज, मायनाज रिपोर्टर्स लम्हा ब लम्हा सूरत हाल से आगाह करते रहे। इस्लामाबाद के F9 पार्क में बड़ा इज्तिमा हुआ। F9 पार्क इस्लामाबाद में हम मौजूद हैं। पीटीआई के तहत बोल बड़ी स्क्रीन पर दिखाया जाता रहा। कप्तान के खिलाड़ी भी बोल की तारीफ किए बगैर ना रह सके। जिस तरह इन्होंने विक्टिमाइजेशन की, जिस तरह इन्होंने बोल के खिलाफ उनको धमकाया, उनके साथियों को धमकाया, उनके मालिक को धमकाया, हर मुमकिन हर बार इस्तेमाल किया। पीटीआई के कारकुनों ने भी बोल पर एतमाद का इजहार किया। यौम तशक्कुर पर बोल की ट्रांसमिशन कई घंटे नॉन स्टॉप जारी रही। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान की कॉल पर आज पाकिस्तान के छोटे बड़े शहरों में इस वक्त यौम तशक्कुर मनाया जा रहा है। बोल हर इज्तिमा हर एंगल को कई कैमरों से दिखा रहा था। शुक्रिया आवाम का, ये जो दिन है एक भरपूर अंदाज से मनाया जा रहा है। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान की कॉल पर मुल्क भर में जश्न। आवाम ने इम्पोर्टेड हुकूमत को आड़े हाथों ले लिया। किसी ने कहा कि हुकूमत के जाने का वक्त हो चुका तो किसी ने राणा सनाउल्ला को तनकीद का निशाना बनाया। बच्चे भी किसी से पीछे ना रहे। इमरान खान ने एक विजन दिया लोगों को एक शऊर दिया, उस शऊर की फतह हुई है। इस इम्पोर्टेंट हुकूमत के जाने का टाइम हो गया है। जो शहबाज शरीफ है वो सिर्फ अब CDA का वजीर आजम रह गया है बस। यही एक दूसरे को गालियां दे देते हैं। आज किस लिए इकट्ठे हुए? सिर्फ वजारत के लिए। वजारत मिली तो कोई महंगाई उनको आगे नहीं थी। इमरान खान ने ना हमें इन करप्ट लोगों से बचाया। और मरियम नवाज के लिए मेरा ट्वीट है, ये बहुत बोलती हैं, इनको इतना बोलना नहीं चाहिए। मेरी सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि खुदा के लिए अभी भी जाग जाएं। ये जो दो खानदानों को अभी भी समझते हैं कि जी वो कोई मसीहा बन के आएंगे, वो सिर्फ लूटने आएंगे। वो 40 साल से लूट रहे हैं, वो आगे भी हमें लूटेंगे। अल्लाह ताला इसको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे, अल्लाह ताला इसकी हिफाजत करे, इन गद्दारों से बचा के रखे। पंजाब के खुददार अवाम ने इम्पोर्टेड हुकूमत को मुस्तरद कर दिया। मुल्क में फौरी आम इंतखाबात का ऐलान किया जाए। PTI ने मुतालबा कर दिया। बाबर आवान ने कहा लोटे शोबाज शरीफ के काम ना आ सके, माफिया हार गया और आज़ादी आ गई। अदालत ने इंसाफ का बोल बाला किया और लोटों का मुंह काला किया। मुराद सईद ने कहा कौम सबको पहचान चुकी है, हमेशा के लिए माफिया को दफना देंगे। 12 करोड़ से ज्यादा लोगों का सूबा है। वहाँ कहते थे कि शेर एक बारी फेर ऐसा बल्ला चला के शेर 3 दफा ढेर कह रहे हैं। गवर्नर राज लगाऊंगा, मर्द का बच्चा है, लगा के दिखा तुम्हें बताए। इमरान खान हवा के मुखालिफ चला, माफिया हार गया, आजादी आ गई। पंजाब में इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर हो गई। हम 25 मई को नहीं भूलेंगे। 25 मई को जुल्म करने वाले कानून के कटहरे में लाएंगे। पूरी पाकिस्तान की तो मैं खुशी देख रहा हूँ। ये खुशी क्यों है? क्योंकि ये लोग खुददार कौम है, गैरतमंद कौम है, ये किसी के सामने सर नहीं झुकाते, अमेरिका कठपुतलियों को नहीं मारते। तहरीक खत्म नहीं हुई, एक मरहला खत्म हुआ। इख्तदार की जंग नहीं, पाकिस्तान के हकीकी आजादी की जंग है। हम सबका मुतालबा है, हुकूमत साजिश के जरिए गिराई थी, इम्पोर्टेड हुकूमत मुसल्लत की थी, कौम ने उसको मुस्तरद कर दिया। अब एक रास्ता है, पाकिस्तान में पूरी और शफाफ इंतखाबात, कौम फैसला करेगी पाकिस्तान आगे किस समय जाएगा। हुकूमत के सोशल मीडिया के बाद काबीना और ऐवान में अदलिया पर हमले। आजाद अदिया के इख्तियारात सल्ब करने की गीदर भपकियां। बेटे को वजारत आला से हटाने पर वजीर आजम आपे से बाहर हो गए। शहबाज शरीफ कौमी असम्बली में खिताब के दौरान अदलिया की तस्दीक करते रहे, अदालतों को डिक्टेशन देते रहे, इल्जाम लगाते रहे। कहा फैसला करना है तो इंसाफ और हक की बुनियाद पर करना होगा, ये नहीं हो सकता मेरे साथ कुछ और दूसरों के साथ कुछ और बर्ताव करें। उन्होंने सवाल किया कि फॉरेन फंडिंग केस पर सोमोटो क्यों नहीं लिया जा रहा, PTI दौर में कोई नोटिस क्यों नहीं लिया गया, मेरे पास राज हैं, वो दफन ही रहेंगे। एजेंट ये हैं, फॉरेन स्टूडेंट ये हैं, क्यों नहीं बताता इलेक्शन चीफ इलेक्शन कमिश्नर? किसी ने सोमोटो लिया? अदालत उज़्मा ने कहा कि डेप्थ स्पीकर ने आइन चकने की बड़ी अच्छी बात की उन्होंने, लेकिन उनको तो किसी ने बुलाया। स्पीकर पंजाब असेंबली जनाब स्पीकर वो एक कार्रवाई करते हैं, उनको बुला लिया गया कि
عدلیہ کا میرے دل میں بہت احترام ہے. اگر عدل انصاف نہیں ہوگا تو یہ ملک خدا داد ملک پاکستان آگے نہیں چل سکتا. میں صرف دورے معیار کی بات کر رہا ہوں جناب اسپیکر. تیل کی قیمتیں اور گیس کی قیمتیں جناب اسپیکر میرے اختیار میں نہیں. ہم جانتے تھے کہ پاکستان ڈیفالٹ کے قریب ہے, ہماری معیشت تباہی کا شکار ہو چکی ہے. ہم چور دروازے سے آئے, وزیر اعظم ہاؤس پر کسی نے چڑھائی نہیں کی. وزیر اعظم اگر بننا ہوتا تو ماضی میں میں اگر نظر دوڑاؤں اور آپ کی خدمت میں صرف چند مثالیں پیش کروں تو وہ کافی ہیں. ایسے جناب اسپیکر راز ہیں جو کہ میرے دل میں دفن ہیں, میں وہ کبھی قیامت تک قبر تک میں اس کو نہیں اگلوں گا. پی ٹی آئی رہنما فواد چودھری کہتے ہیں لگتا ہے کہ وزیر اعظم کو اپنے کیس کا ہی معلوم نہیں. انہیں تین ججز نے 22 کروڑ کے وزیر اعظم کو گھر بھیجا تھا تو شہباز شریف نے مٹھائیاں بانٹی تھیں. پنجاب میں تو کیس ہی سیدھا ہے. پرویز الہی کو 186 اور حمزہ شہباز کو 178 ووٹ ملے. فواد چودھری نے کہا یہ لوگ جو نون لیگ سے ناراض لیگ کا پروجیکٹ شروع کر رہے ہیں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. یہی جو تین ججز تھے یہ جب آج سے 3 مہینے پہلے بیٹھ کے عمران خان کی جو اسپیکر کی رولنگ تھی اس کو صحیح قرار دے رہے تھے, اس وقت شہباز شریف صاحب مٹھائیاں بانٹ رہے تھے. تو مجھے آپ بتائیں امتیازی سلوک کہاں ہے؟ یہ جو نون لیگ سے ناراض لیگ کا جو سفر انہوں نے اتنی جلدی طے کیا ہے اور ان کو یہ لگتا ہے کہ اس طرح سے اگر ہم کریں گے تو معاملات بڑے آسان ہو جائیں گے, ایسا نہیں ہے. آپ کو جو نیریٹو کی تلاش ہے, بیانیے کی تلاش ہے, وہ آپ کی سیاست کی ناکامی کی وجہ سے ہے. اب آپ غلط فیصلہ دوبارہ کر رہے ہیں اور وہ کر رہے ہیں کہ اداروں کے ساتھ آپ ایک لڑائی مول لینا چاہتے ہیں اور آپ کا خیال ہے کہ اداروں کے ساتھ بڑھیں گے تو اس سے عوام میں ہماری اہمیت بڑھے گی. بقول مریم نواز کے وہ اتنی کمزور حکومت ہے اور اتنی مانگے تاڑنے کی حکومت ہے, ان کو خود ہی سمجھ نہیں آ رہی کہ انہوں نے کیا کرنا ہے, تو اس لیے انہوں نے سارا غصہ عدلیہ پہ نکالا. اور اب ذکر کریں گے کورونا کا. ملک بھر میں کورونا سے مزید 8 افراد جان کی بازی ہار گئے. 24 گھنٹے کے دوران 761 نئے مریض رپورٹ ہوئے, جبکہ این آئی ایچ کے مطابق ملک میں 24 گھنٹے کے دوران 20,843 ٹیسٹ کیے گئے. کورونا مثبت مریضوں کی شرح 3.65% رہی. ملک میں کورونا سے 170 افراد کی حالت تشویشناک ہے. پنجاب کے دیگر شہروں سمیت لاہور میں بھی بجلی کے ناجائز اور غیر قانونی بلوں کے خلاف احتجاج. لاہور کے تاجروں نے اضافہ مسترد کر دیا. صدر انجمن تاجران لاہور قائد اعظم گروپ ملک امانت علی کا کہنا تھا کہ بلوں کو مسترد کرتے ہیں, امپورٹڈ حکومت نے کاروبار تباہ کر دیے. نئی نو منتخب حکومت پنجاب ظالمانہ سیلز ٹیکس کو ختم کروائے. صدر اور نائب صدر لاہور چیمبر میاں نعمان کبیر اور حارث عتیق کی میڈیا سے گفتگو. آپ نے تو مزید مشکل کر دیا. جو لوگ ایکٹیو ٹیکس پیئر لسٹ میں نہیں ہے ان کو 6,000 روپے سے تو کم از کم ٹیکس شروع ہوتا ہے. کسی نے 18 یونٹ یوز کیے, کسی نے 27 یونٹ یوز کیے, کسی نے 100 یونٹ یوز کیے, ٹیکس اس کے اوپر ڈبل ہو کے آ رہا ہے. تو خدا را کو میکانزم بنائے. سیاستدانوں کے آگے ہاتھ کیوں ہوگا؟ یہ میرے ہاتھ نہیں, یہ لاہور چیمبر کے 32,000 ممبران کے ہاتھ ہم سیاستدانوں کے آگے جھول رہے ہیں. خدا را پاکستان پہ رحم کریں. آپ لوگوں کی لڑائی کی وجہ سے, آپ لوگوں کی دھندا مشکی کی وجہ سے انڈسٹری, معیشت, پاکستان کا کاروبار کہیں بھی سنبھل نہیں پا رہا. دیگر خبروں میں آپ کو یہ بتائیں کہ کراچی کی مقامی عدالت میں دعا زہرہ کیس کی سماعت ہوئی. دعا زہرہ کی عدالت پیشی پر تفتیشی افسر آپے سے باہر صحافیوں پر پستول تان لیا, جبکہ عدالت نے دعا زہرہ کو چائلڈ پروٹیکشن بیورو کی تحویل میں دینے کا حکم دے دیا. عدالت نے پولیس کو 1 اگست کو مقدمے کی چارج شیٹ پیش کرنے کا حکم دیتے ہوئے سماعت کو ملتوی کر دیا. اگلی سماعت پر ضمانت میں توثیق کے لیے دلائل دیے جائیں گے. اور اب آپ کو بتائیں گے تھڈو ڈیم کا پانی اسکیم 33 کی مختلف سوسائٹیز میں داخل ہو گیا ہے, جس کے باعث سڑکیں تالاب کا منظر پیش کر رہی ہیں. انتظامیہ کی عدم دلچسپی نے شہریوں کی مشکلات میں اضافہ کر دیا ہے. مزید تفصیلات جانتے ہیں بول نیوز کے نمائندے سلمان سلیم سے. سلمان, بتائیے گا کیا صورتحال ہے اسکیم 33 کی؟ جی دیکھیں, بالکل گزشتہ روز بھی ہم نے اسکیم 33 کو رپورٹ کیا تھا اور آج ایک بار پھر ہم اسکیم 33 کنیز فاطمہ کے مقام کے اوپر موجود ہیں. اور آج جو مقام ہے یہ ڈبل ٹریک ہے, مختلف گلیاں جو ہیں وہ یہاں پر آ کے مرج ہوتی ہیں اور یہ روڈ جو ہے وہ پھر فاریہ کی طرف جاتا ہے. اس وقت بھی آپ صورتحال رکھتے ہیں کہ ہر طرف جو ہے وہ پانی ہی پانی ہے. روڈ کا جو لیول تھا
जो फुटपाथ का लेवल है वो पूरा भर गया था, जबकि अब जो है वो पानी की सतह थोड़ी कम हुई है। लेकिन इस रोड के ऊपर बेतहाशा खड्डे होने, बाइक सवार हैं, गाड़ी सवार हैं, उनको शदीद मुश्किलात का सामना है। इलाका मकीन हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे सूरत हाल मजीद भी जान लेते हैं। मुझे ये बताइएगा, आप यहाँ के इलाका मकीन हैं, तो कितना मुश्किल होता है, ये पानी खड़ा हुआ है, बदबू भी आ रही है, बीमारियाँ भी फैल रही हैं, इंतज़ामिया किधर है? सर, इंतज़ामिया का तो कुछ पता नहीं है कि इंतज़ामिया कहाँ है कहाँ नहीं है। दूसरा ये है कि बच्चे घर से बाहर निकलना बहुत ज़्यादा मतलब मुश्किलात का सामना हो रहा है, और बिलत ये है कि बच्चे कहीं आ जा नहीं सकते, या यहाँ की जो मतलब गरीब गुरबा लोग हैं वो मतलब इस पानी की वजह से बेचारे नकन मकानी करने के चक्कर में लगे हुए कि हम यहाँ से किसी और तरफ चले जाएँ। अच्छा, ये बताएं कि पानी की जो सतह है वो अब हम देख रहे हैं कि थोड़ी कम हुई है, कितना कितना पानी यहाँ पे जमा हुआ? सर, यहाँ तकरीबन 3-3 फुट ये फुटपाथ नज़र नहीं आ रही थी, इतना पानी यहाँ पे जमा हुआ हुआ था। अब ये कि थोड़ा सा पानी कम हुआ है, किस वजह से हुआ इसका मैं तो नहीं बता। तो कोई इंतज़ामिया यहाँ पर आई थी? सर, इंतज़ामिया तो अभी तक कोई भी नहीं नज़र आई, ना कोई भारी मशीनरी नज़र आई यहाँ पे। देखें, बिल्कुल स्कीन 33 जो है वो इस वक्त। बहुत शुक्रिया सलमान सलीम, अपडेट कर रहे थे। पाक फौज की बलूचिस्तान और गिलगित बल्तिस्तान में सैलाब मुतासर इलाके में इमदादी कार्रवाइयाँ। पाक फौज और FC एमरजेंसी रिस्पांस टीमें इमदादी कामों में मसरूफ। ISPR के मुताबिक बलूचिस्तान में 700 खानदानों को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया है। बलूचिस्तान और गिलगित बल्तिस्तान में मेडिकल कैंप कायम कर दिया गया, जिसके तहत मुतासरीन को तिब्बी सहूलियात और अद्वियात फराहम की जा रही हैं, जबकि हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए मजीद टीमें मुतासर इलाकों में तैनात हैं। क्रिकेट की बात करेंगे। पाकिस्तान और श्रीलंका की क्रिकेट टीमों के दरमियान जारी गोल टेस्ट दिलचस्प मरहले में दाखिल हो गया। 508 रन के हदफ के ताकुब में पाकिस्तान ने एक विकेट पर 89 रन बना लिए। कौमी टीम को खेल के आखिरी दिन जीत के लिए 419 रन दरकार हैं। कप्तान बाबर आजम 26 और इमामुल हक 46 रन के साथ नॉट आउट हैं। अहम खबर दें आपको, चागी के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश और सैलाबी सूरत हाल से वहाँ क्या हालात हैं, इस सिलसिले में बोलियों के नुमाइंदे अली रज़ा रिंद हमें तफसीलात से बता रहे हैं। अली रज़ा, बताइएगा चागी में क्या सूरत हाल है? जी, चागी के मुख्तलिफ इलाकों में बारिशों और अर्बन फ्लडिंग का सिलसिला जारी है। मैं आपको बताता चलूँ कि पाक अफगान सरहद के साथ जो चागी का इलाका है बरामचा, वहाँ के बाज़ार में एक बहुत बड़ा सैलाबी रेला दाखिल हो गया है, जिसकी वजह से जो कच्चे दुकानात और मकान हैं उनको भी जुज़वी तौर पर नुकसान पहुँचा है, और बहुत सारी गाड़ियाँ भी सैलाबी रेले में फंस गए जिन्हें मकामी लोगों ने रेस्क्यू किया। इसके अलावा जो चागी बाज़ार है वहाँ भी सैलाबी रेला दाखिल हुआ, जिसकी वजह से जो कच्चे दुकान और मकान हैं उनको भी। बहुत शुक्रिया अली रज़ा इंसाफ। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएँ ताकि कोई खबर रह न जाए।